देखो मान लो मेरी बात को राहुल, इससे अच्छा दाम तुम्हें कॉटन का कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं शहर से खुद यहाँ तुम्हारे गांव में कॉटन खरीदने के लिए आया हूँ। लालू जी आप भी समझाते क्यों नहीं राहुल को? देखो मोदे जी, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी कपास को यहीं बेचने के लिए तैयार हूँ। और आप ये कॉटन कॉटन क्या कह रहे हो? कपास बोलो, कपास और रुई समझ में आती है हमें? आप पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हो। देखो लालू जी, अगर आप कपास को यहीं बेचना चाहते हो तो बेच दो, लेकिन मेरे हिस्से की आधी कपास यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि मैं अपनी कपास को तो शहर में ही ले जाकर बेचूंगा। ये जो मोदी साहब शहर से अपनी कपास खरीदने के लिए आए, ये कपास का बहुत कम रेट लगा रहे हैं। कपास की खेती करने में कितनी मेहनत लगती है आप तो जानते ही हो। अपना दोनों ने पार्टनरशिप में कपास की खेती की थी। अब इसमें से आधी कपास मेरी है, आधी आपकी है। अगर आधी आप इन मोदी जी को यहीं पे बेचना चाहते हो तो बेच दो, मैं तो शहर में जाकर बेचूंगा। लेकिन राहुल तुम समझते क्यों नहीं हो? जो शहर में तुम्हें रेट मिलेंगे वो रेट मैं यहीं पे देने को तैयार हूँ। शहर में किसी से भी पूछ लो कपास का क्या भाव है, उसी रेट में मैं यहीं पे तुम्हारी कपास खरीद लूंगा। वैसे राहुल मोदी साहब सही तो कह रहे हैं, जब शहर का दाम अपनों को गांव में ही मिल रहा है तो अपना लोगों को इतनी मेहनत करके शहर कपास ले जाने की क्या जरूरत है। मैं मानता हूँ इस कपास की खेती करके अपनों ने बड़ा मेहनत से इस कपास को उगाया है, लेकिन बेचना तो पड़ेगा ही। अच्छा बताओ मोदी जी, कितने रुपए क्विंटल को कपास खरीदोगे यहीं पे? मैं तुम्हारी 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से सारी की सारी कपास खरीद लूंगा। यही तो बात है, सुबह मैंने केजरीवाल जी को शहर में फोन किया था, वो बता रहे थे शहर में कपास का रेट 600 रुपए क्विंटल है। अब तुम हमसे 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से कपास खरीद रहे हो। लालू जी आपको बेचना है आप बेच दो, मैं तो अपनी कपास नहीं बेचूंगा, जानबूझकर तो मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा। लालू जी ये राहुल सही कह रहा है, शहर में कपास का रेट 600 रुपए क्विंटल है। मैंने भी अमित शाह जी से पूछा था, आप इतनी सस्ती कपास इन मोदी जी को यहाँ पर मत बेचो। चलो ठीक है मोदी जी, आप वापस चले जाओ, सब लोगों की राय नहीं है कपास यहीं पे बेचने की, शहर में ही जाकर कपास बेचेंगे, क्योंकि आप सस्ती कपास खरीद रहे हो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कि ये ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ सब लोग। मोदी जी मुझे एक बात बताओ, सुबह से अपना लोग खड़े भी है, बिजली विभाग का एक भी आदमी नहीं आया है, ऐसे कब तक नहीं हटेंगे अपना लोग, ये बताओ। राहुल अपने पीछे बिजली का जो ये ट्रांसफार्मर है इसे खराब हुए लगभग 15 दिन होने को जा रहे हैं, और गांव में पिछले 15 दिन से अंधेरा छाया हुआ है, और गर्मी तो देख ही रहे हो कितनी बिकट गर्मी पड़ रही है, पंखे वगैरह भी नहीं चल पा रहे हैं। मैं पिछले 15 दिन में 2 बार बिजली विभाग को एप्लीकेशन लिख चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ, बिजली विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ट्रांसफार्मर चेंज हो नहीं पा रहा है, गांव वालों को दिक्कत हो रही है क्योंकि गांव में बिजली नहीं आ रही है। अब जब तक ये ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो जाता, ये खराब वाला हटाकर नया ट्रांसफार्मर नहीं रख जाता, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। मोदी जी कोई हटे ना हटे, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाकर दोबारा आ जाऊंगा, फिर खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पर आकर। अखिलेश तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई? हम तो सुबह से खड़े हुए हैं, ना हमने पानी पिया है ना खाना खाया है, लेकिन तुम आधा घंटे से यहाँ पर आए हुए हो, आधे घंटे में 2 बार पानी पीकर आ गए और अब खाना खाने जा रहे हो। अगर तुम्हें बिजली के मजे लेना है तो थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। अखिलेश योगी जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं चेंज होगा जब तक कि बिजली की हड़ताल नहीं करोगे। लालू जी, सिद्धारमैया जी, तुम लोग कैसे चुप हो? तुम तो आवाज ही नहीं लगा रहे हो कुछ। मोदी जी कब तक बोले, सुबह से मैं बोल ही रहा हूँ, बोलते बोलते गला खुशक हो गया। अखिलेश तुम खाना खाने जा रहे हो, मेरे लिए फ्रिज से निकाल कर ठंडी ठंडी पानी की बोतल ले आना। अरे लालू जी आप भी अजीब बात करती हो, फ्रिज से बोतल कैसे निकाल के ले आएगा अखिलेश? अखिलेश की फ्रिज तो तभी चलेगी जब बिजली आएगी, और बिजली तब आएगी जब ट्रांसफार्मर चेंज किया जाएगा। मोदी जी मैं तो कहता हूँ यहाँ पर हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं है, बिजली विभाग के ऑफिस में चलते भाई हड़ताल करेंगे। यहाँ पर गांव में अपनी सुनने वाला कौन है? इस खराब ट्रांसफार्मर के सामने खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, चलो बिजली विभाग ऑफिस चलते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल तुमसे एक काम भी सही तरीके से नहीं होता है, मैंने तुमसे कहा था कि बैलों को सही तरीके से देखे रहना, लेकिन तुमने बैलों को भगा दिया। अब बताओ ये बैलगाड़ी को लेकर कौन जाएगा? अरे अपना लोग यहाँ खेत पर बैलगाड़ी में अनाज लेने के लिए आए थे, अब इधर हम तो बैलगाड़ी में अनाज भरने में लगे हुए थे, और मैंने तुमसे कह दिया था कि बैलों को देखे रहना, लेकिन जब घर जाने का वक्त हुआ तो देखा बैल ही नहीं, बैल कहाँ भाग गए? देखो मोदी जी, पहली बात तो एक बात सुन लो, आपके बैल इतने ज्यादा खतरनाक है, किसी का जरा सा भी कहना नहीं मानते, मारने के लिए डट जाते। मैं तो उनकी रस्सी पकड़कर चरा रहा था उन्हें, लेकिन अचानक उन्होंने भाग लगा दी,
मैं पीछे पीछे भागने लगा, वो और तेज भागे, फिर वो मेरी पकड़ से बाहर हो गए, अब पता नहीं कहाँ भाग गए। लेकिन राहुल बैल तो भाग गए, लेकिन इस बैलगाड़ी को तो अब घर लेकर जाना ही पड़ेगा। तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, इस बैलगाड़ी में हाथ लगाओ, खिंचवाओ इस बैलगाड़ी को। लालू जी मोदी जी आप मुझसे तो कह रहे हो, और वो देखो अखिलेश वो तो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया जाकर। अखिलेश नीचे उतर के आओ, इस बैलगाड़ी को खिंचवाओ। तुम तो बैलगाड़ी के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे बैल खींच कर ले जाएंगे इस बैलगाड़ी को। अरे बैल भाग गए, अब अपना लोगों को ही इस बैलगाड़ी को खींच के घर ले जाना पड़ेगा। आज प्यास भी इतनी ज्यादा लग रही है और ये केजरीवाल जी अभी भी खेत पर पानी लेकर नहीं आए। मोदी जी अपने पीछे देखो, वो देखो केजरीवाल जी पानी लेकर आ गए पतीले में। और दूसरी बात मैं आपसे कह देता हूँ कि मैं बैलगाड़ी के ऊपर ही बैठा रहूंगा, आप इस बैलगाड़ी को हाथों से खींच के ले जाओ या बैल पकड़ कर लाओ, बैलों से खिंचवाओ, मैं तो ऊपर ही बैठे रहूंगा इस बैलगाड़ी के। अरे मोदी जी पहले पानी पी लो, ये बैलगाड़ी को खींचना छोड़ो, और ये बताओ बैल कहाँ चले गए। क्या बताऊँ केजरीवाल जी, बैल इस राहुल ने पता नहीं कहाँ पर भगा दिए, अब इस बैलगाड़ी को खींच कर घर तक अपना लोगों को ही ले जाना पड़ेगा। लाओ जल्दी पानी का पतीला इधर लाओ, बहुत तेज प्यास लगी है। देखो मोदी जी इस बैलगाड़ी के ऊपर से अखिलेश को उतार दो, नहीं तो मैं भी जाकर बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाऊंगा। अरे अपना सब लोग बैलगाड़ी खींच रहे हैं, अखिलेश आराम से बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अरे योगी जी गुस्सा मत हो, अखिलेश ने मेहनत भी तो बहुत ज्यादा की है, ये जितना भी अनाज है ये अखिलेश ने ही तो लाके बैलगाड़ी में लोड किया है। चलो केजरीवाल जी राहुल एक साथ जोर लगाओ, इस बैलगाड़ी को गाँव में खींच कर ले चलते हैं, और फिर बैल भी जाकर देखना है, पता नहीं बैल कहाँ भाग गए होंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।